हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, 3 जनवरी को मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे था और उसकी डिमांड थी कि उसकी ड्रेस के जैसा उसको एक डॉल केक चाहिए, तो मैंने वो कैसे बनाया चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इस केक को मैं घर के लोगों के लिए ही बना रही थी, तो मैंने 1/2 kg का केक बनाना था। उसकी डिमांड डॉल शेप की थी, तो उसके लिए देखिए मैंने ये बाउल सेलेक्ट किया। इसकी शेप जो थी थोड़ी सी डोम शेप आ रही थी, इसी के साइज़ का मैंने इसके सेंटर में एक पेपर सेट किया और ऑयल से मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने केक टिन को करते हैं। और 1/2 kg का केक था, इसके लिए मैंने अपना होममेड प्रीमिक्स को यूज़ करके 1.5 कप प्रीमिक्स से ये बैटर बनाया और इसके अंदर इस तरीके से डाल दिया। अच्छे से टैप करके मैंने इसे 180 डिग्री पर लगभग 20 मिनट के लिए बेक कर लिया। आप देख सकते हैं केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। हल्का ठंडा होने के बाद हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। हल्का सा टैप करने से ही हमारा केक जो है बाहर आ जाएगा। और अब हम इसके बैक साइड वाले पेपर को भी रिमूव कर देंगे। हमारे केक में देखिए डोम शेप आ गई है, लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा इससे केक बनाना होगा, तो उसके लिए मैं फ्रंट वाली सबसे पहले तो टॉप लेयर को रिमूव करूंगी। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, केक की लेयरिंग के दौरान हम इसे यूज़ करेंगे। और अब मैंने केक को पूरी तरीके से फ्लिप कर दिया है और जो इसकी टॉप लेयर है, सबसे छोटी वाली लेयर है, उसको हम पतला सा इस तरीके से कट करेंगे। इसे भी साइड में रखते हैं और फिर से केक की 2 से 3 लेयर हम कट कर लेंगे। इस केक की जो हाइट है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से मैं इसमें से 4 लेयर आराम से कट कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे करके देखिए चाकू की मदद से मैंने इसकी 4 लेयर्स कट कर ली हैं। चलिए अब इस केक को असेंबल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बोर्ड लिया है और सबसे पहले मैंने बड़ी वाली लेयर को रखा है। अच्छे से मैंने उसे शुगर सिरप से मॉइस्ट किया है और क्रीम की अब हम एक पहली लेयर इस पर लगा देंगे। मैं पिस्ता फ्लेवर केक बना रही थी, तो यहाँ पर देखिए मैंने पिस्ता क्रश को स्प्रेड किया है। चाकू से हम इसे पूरी तरीके से फैला लेंगे और क्रश लगाने के बाद फ्रेंड्स, इस लेयर से जो छोटी वाली केक की लेयर है उसे हम प्लेस करेंगे और फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और ऐसा करते करते हम पूरी केक की लेयर्स को स्प्रेड कर देंगे। फ्रेंड्स, जो हमने टॉप लेयर छोटी सी रिमूव की थी, उसको भी हम बीच में यहीं पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 4th time उस लेयर को सेट कर रही हूँ और इसे भी फ्रेंड्स क्रीम लगा करके, क्रश लगा करके हम अच्छे से सेट कर देंगे। और फाइनली जो हमारी केक की सबसे नीचे छोटी वाली लेयर थी, उसको हम सेट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं थोड़ी ही क्रीम लगा करके इस पूरे केक को क्रम कोटिंग करते हुए कवर कर दूंगी। हम अभी इस स्टेज पर ज़्यादा क्रीम लगा करके इस केक को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम दूसरे नोजल से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो क्रीम एक्स्ट्रा ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी ही क्रीम लगा करके पहले तो इसे क्रम कोट कर रही हूँ और फिर अच्छे से किसी भी स्क्रैपर से या किसी कार्ड से हम इसे फिनिशिंग दे देंगे इस तरीके से। और अब थोड़ी ही क्रीम लगा करके मैं इसके टॉप पार्ट को भी कवर कर दूंगी। तो देख सकते हैं आप हमारी कितनी प्यारी सी एक डोम शेप बन गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने थोड़ी सी क्रीम ली है और इसके अंदर मैं बनाऊंगी ग्रे शेड, क्योंकि मेरी बेटी की जो ड्रेस है वो ग्रे और पिंक के कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ पर मैंने 1 ड्रॉप ब्लैक जेल कलर डाला है और 1 ड्रॉप मैंने नेवी ब्लू कलर डाला है। अच्छे से पहले मैं इसे मिक्स करूंगी और फिर जरूरत के हिसाब से हम इसमें 1-1 ड्रॉप कलर की और ऐड करेंगे, ताकि एक परफेक्ट ग्रे कलर हमें मिल जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रे कलर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने नूर का R24 नोजल लिया है और उसके अंदर पाइपिंग बैग लगा करके मैंने इस ग्रे कलर की क्रीम को फिल कर लिया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को मैं 1/2 करके बनाऊंगी, यानी कि एक तरफ हम ग्रे शेड देंगे और एक तरफ हम पिंक शेड देंगे। तो यहाँ पर केक के आधे सरफेस पर मैं इस तरीके से फ्रिल बना दूंगी। जस्ट आपको ऊपर नीचे करते जाना है और बहुत ही सुंदर सी देखिए ये फ्रिल बन जाएगी। देख सकते हैं आप, आधे केक पर मैंने ये फ्रिल बनाई है। अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर बनाएंगे। सेकेंड लेयर हम थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करेंगे। हम एक गाउन शेप बना रहे हैं, तो नीचे की लेयर में थोड़ी फ्रिल ज़्यादा होती हैं और ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे फ्रिल थोड़ी कम होती जाएंगी साइड से। यहाँ देखिए दूसरी लेयर भी हो गई है, ऐसे ही मैं तीसरी लेयर बना दूंगी। सिंपली आपको नोजल को ऊपर नीचे करते जाना है और बहुत ही सुंदर देखिए फ्रिल बनती जाएंगी। बस आप सिमेट्री का ध्यान रखिएगा, जैसे आप ऊपर ले जा रहे हैं उतना ही आपको नीचे लाना है। और यहाँ पर देखिए एक जैसी फ्रिल बनाते हुए मैं टॉप में आ गई हूँ और यहाँ पर भी मैं देखिए फ्रिल बना दूंगी इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा आधा केक जो है अभी भी खाली है, तो दूसरे साइड को भरने के लिए सेम इसी तरीके की फ्रिल से मैंने पिंक कलर की क्रीम को रेडी किया है और सेम वही नोजल यूज़ किया है। और जो पार्ट हमारा बच रहा है वहाँ पर हम ये फ्रिल बना देंगे। तो एक एंड पे जहाँ पर हमारी ग्रे कलर की फ्रिल है वहाँ से स्टार्ट करते हुए दूसरे एंड में हम मिला देंगे और ऐसा करते करते हम इस साइड को भी इसी तरीके की फ्रिल से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, टॉप में मैं थोड़ा सा ग्रे शेड ही स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पिंक कलर की क्रीम जो है वो ख़त्म हो गई है और मुझे ग्रे का टिंच ही इसमें ज़्यादा देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे केक को फ्रिल से कवर कर दिया है।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास एक पेपर का डॉल का टॉपर है जिसे मैं केक के सेंटर में इस तरीके से इंसर्ट करूँगी। तो आप जैसे चाहें इसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिस भी कलर की ड्रेस आप चाहें दिखाना उस कलर की ड्रेस की तरफ ये टॉपर लगा सकते हैं। ये देखिए पिंक शेड की तरफ ऐसा लग रहा है और ग्रे कलर की शेड की तरफ ये केक ऐसा लग रहा है। तो पूरी तरीके से फ्रेंड्स ये चॉइस मैंने अपनी बेटी की छोड़ दी थी, उसे ग्रे कलर पसंद था तो मैंने इसे ग्रे कलर की तरफ ही लगाया है। और अब इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं गोल्डन कलर के ये बॉल्स इस ड्रेस पर स्टिक कर रही हूँ और थोड़े से सिल्वर बॉल्स मैं इसके पिंक वाली साइड पर भी स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पर उसकी डिमांड से उसकी ड्रेस की तरह दिखता हुआ ये केक बनाया था। आप भी अपने बच्चों की ड्रेस को मैचिंग करते हुए इस तरीके के केक बना सकते हैं और उन्हें खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बच्चों की टोटली कस्टमाइजेशन थी, उन्हीं की डिमांड थी। तो हमारा केक देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका प्रॉपर वेट 500 ग्राम का था। और आप देख सकते हैं इसका कलर का कॉम्बिनेशन सेम उसी तरीके का आया है जैसे मेरी बेटी ने ड्रेस पहनी हुई है। अब मैं फ्रेंड्स आपको अपने बेटे के बर्थडे की एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आप अपनी ब्लेसिंग्स उसे जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो, आज की केक की डेकोरेशन अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बार कुछ नया देखने के लिए, सीखने के लिए और ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।